जो दर्शक हैं या आपको चाहने वाले, उन पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा? मैंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये फिल्म मैंने अपने लिए नहीं की है, मैंने उनके लिए की है जिन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया था, वो है मेरे फैन। फिल्म में पहले भी बहुत सारी ऑफर हुई थी, मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे करनी नहीं थी, लेकिन ये फिल्म की मुझे स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी और कुछ नया करने को भी मिला। और ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो बोलते थे सिर्फ और सिर्फ एक ये डांसर है और डांसर ही रह जाएगी। ऑफकोर्स मैंने मेहनत की तो आज मैं एक एक्टर की उपाधि पे भी हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी मैं उतनी ही मेहनत करूंगी जितनी मैंने एक डांसर होने के नाते की है। जैसा कि आपने अभी बोला कि आपने ये फैंस के प्रेशर में आके मूवी ली, तो कोई प्रेशर आपको सेट पे भी फील हुआ था या फिर, क्योंकि आपकी फर्स्ट मूवी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मजेदार। पता है ना आपको हम कैसे हैं, जहां जाते हैं लठ गाड़ते हैं बस और कुछ नहीं करना। पूरे मजे ले लेके मूवी की है, और वैनिटी में कम भार बहुत ज्यादा रहती थी, मतलब मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं छोड़ा शायद सेट पे जिसके मजे नहीं लिए, मैंने सबके मजे लिए जाके। लेकिन मेहनत भी उतनी ही की है, और कभी शायद किसी को निराश नहीं किया, चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर हों, चाहे मेरे डायरेक्टर हों और मेरे को स्टार्स हों। आप लोग खुश हो ना मुझसे? खुश हैं और हमेशा रहेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को परेशानी हुई है। हेलो, दिस साइड। यस, कैन आई आस्क? जस्ट अ मोमेंट। यू द फिल्म इज सीन बाय द डायरेक्टर बिकॉज द डायरेक्टर इज द पर्सन हु मेक। हाँ, मुझे दिख रहा है। आप ऐसा कौन सा संदेश देना चाहते हैं जो लड़कियां हरियाणा जैसे जगह पे जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां आया, एजुकेशन लेवल बहुत कम है, तो क्या वहां आईपीएस बनना चाहिए आपके इस लेवल से? बिल्कुल बिल्कुल। और आप शायद फिर हरियाणा में गए नहीं है, बहुत लड़कियां हैं जो आईपीएस हैं, आप शायद अच्छे मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, आपने देखा भी होगा। हरियाणा की लड़कियां आज के टाइम में हर चीज में आगे हैं, तो कुछ भी हो, रेसलिंग हो, कुश्ती हो, मॉडलिंग हो, कुछ भी आप कुछ भी उठा के देख सकते हैं, हर चीज में आ गया। और मार धाड़ में तुम्हारा नाम रहता ही है। हेलो मैम, टुवर्ड्स दायित्व श्रीवास्तव फ्रॉम नवभारत टुडे। मैम, रियल लाइफ के अलावा रियल लाइफ में दोस्त और दोस्ती के क्या मायने आपके लिए?